नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल आईटी सक्सेस एजुकेशन पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार तकनीकी सेवा जो की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही बड़ी और अच्छी खुशखबरी है। दोस्तों, ये खुशखबरी उन लोगों के लिए जिन्होंने आईटीआई की वैकेंसी के लिए जो एग्जाम दिया था, उसका जो रिजल्ट आज आउट हो चुका है। दोस्तों, सामने आपको डिस्प्ले पे एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है दोस्तों। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारा चैनल आईटी सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, ताकि जो जानकारी और कैंडिडेट के पास भी पहुंच सके। दोस्तों, शुरू करते हैं दोस्तों अब वीडियो। सामने जो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है उस पर लिखा है कि विज्ञापन संख्या 07/2023 से 36/2023 व्यवसाय निदेशक के विभिन्न पदों के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके रिगार्डिंग ये सूचना जारी की गई है। दोस्तों, श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं परीक्षण परीक्षण पक्ष बिहार पटना के अधीन से विभिन्न औद्योगिक परीक्षण संस्थानों में व्यवसाय निदेशक के रिक्त पदों पर आईटीआई योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 07/2023 से 36/2023 तक व्यवसाय निदेशक के विभिन्न पदों ज्ञापन संख्या 08/2023 को छोड़कर का अंतिम परीक्षा फल का प्रकाशन कर दिया गया है, जिसे आयोग के वेबसाइट www.btsc.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है। नीचे एक नोट लिखा है दोस्तों, विज्ञापन संख्या 08/2023 के अंतर्गत मेधा सूची तैयार की जा रही है। बहुत ही अच्छी और खुशखबरी है। जे काफी दिनों से उन कैंडिडेट को परीक्षा फल की वेट थी जिन्होंने डीवी में पहुंचकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए थे, उन कैंडिडेट के लिए ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है दोस्तों। बहुत ही अच्छी खुशखबरी है जिसका हमें काफी टाइम से इंतजार था। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो रिजल्ट इन्होंने घोषित किया है जिसका विज्ञापन संख्या 35/2023 था, व्यवसाय निदेशक इंजीनियरिंग ड्राइंग के पदों के लिए। दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो पद थे उनके लिए कोई भी यूआर वाला कैंडिडेट योग्य अभ्यर्थी चयनित हुआ ही नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अभ्यर्थी इसमें कोई चयनित नहीं हुआ है। कहने का मतलब यह कि किसी का भी इसमें एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेड की कि कौन सा ट्रेड है जो है, वो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले जो यूआर की जो कट ऑफ है थी, इसमें इसकी जो वैकेंसी थी यूआर की वो 51 थी। और इसमें जो सभी योग्य अभ्यर्थी चयनित हुए हैं जिनका भी एग्जाम इसमें क्लियर हुआ था वो सभी इसमें चयनित हुए हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है फाउंड्री मैन की बात करें तो दोस्तों, फाउंड्री मैन की जो कट ऑफ है वो यूआर वाले जो कैंडिडेट है वो 70.24 और जो एससी वाले कैंडिडेट है वो 66.86 और जो पिछड़ा वर्ग वाले कैंडिडेट हैं वो 60.65.55। जो इन कट ऑफ के अंदर जो कैंडिडेट आते हैं वो सभी इसमें उनकी सिलेक्शन हो चुकी है। दोस्तों, नेक्स्ट डेट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट डेट जो है उसके बारे में बात करते हैं, आईसीटीएम दोस्तों, आईसीटीएम जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम और मेंटेनेंस की जो ट्रेड थी, इसमें जो यूआर के जो कैंडिडेट थे, जो सभी योग्य अभ्यर्थी जो चयनित हुए हैं सभी इसमें वो सिलेक्शन उनकी हो चुकी है। दोस्तों, जो यूआर वाले कैंडिडेट हैं, यूआर वाले तो जितने भी उसके पास मार्क्स जिनके आए हुए थे, जिनका भी डीवी हुआ है, वो सभी इसके लिए योग्य हैं। और इसमें जो SC ST EBC BC वाले कैंडिडेट है, जहां महिला है WBC की, कोई भी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुआ इसमें। किसी भी प्रकार जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट थे वो भी इसमें उपलब्ध नहीं हुए हैं। दोस्तों,
ये एक अच्छी खबर है, जो भी कैंडिडेट इसमें थे वो सभी इसमें सिलेक्शन उनकी हो चुकी है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मैकेनिक डीजल, मैकेनिक डीजल वाले जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में बात करेंगे। मैकेनिक डीजल की जो यूआर की वैकेंसी थी वो थी 33, और 33 में जो सामान्य वर्ग यूआर की जो कट ऑफ है वो है 70, 70.30, और जो इसमें महिला थी, लड़कियां थी जो, वो सभी महिला इसमें चयनित हो चुकी हैं, उनमें से कोई भी नहीं रहा जिन महिला ने इसका एग्जाम दिया था वो सभी इसमें आ चुकी हैं दोस्तों। 70 जो सामान्य की थी और ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट थी वो 70.21, ईडब्ल्यूएस यूआर में जो थे उसकी मेरिट इतनी कट ऑफ ये हुआ है दोस्तों। और जो एससी वाले 34.61, और जो ईबीसी वाले कैंडिडेट है वो 41.11, और जो बीसी वाले कैंडिडेट वो 63.68 है, और जो डब्ल्यूबीसी की महिला है वो 32.69, और एससी वाले जो ईबीसी हैं वो 40.54, और जो डिसबिलिटीज कैंडिडेट हैं उनमें से यहाँ पे कोई भी उपलब्ध नहीं हुआ है दोस्तों। इन कैंडिडेट को बहुत बहुत बधाई हो, और ये सभी कैंडिडेट जो मैंने बताई है कट ऑफ, जिसके नंबर इतनी कट ऑफ के ऊपर थी और जिनका डीबी हुआ था इनके ऊपर, वो सभी की इस यहाँ पे सिलेक्शन हो चुकी है दोस्तों। नेक्स्ट डेट देखते हैं कि नेक्स्ट डेट कौन सी है। नेक्स्ट है दोस्तों मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक मोटर व्हीकल जो ट्रेड है नेक्स्ट, उसमें जो यूआर की बात करें तो यूआर वाले 67.46 वाले जो है समान, जो सामान्य वर्ग के हैं वो है 67.46, और महिला इसमें 58.08 वाली, उनका जिनका कट ऑफ इतना है वो सभी इसमें सिलेक्शन हो चुका है उनका। जो आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है वो 64.05 है यूआर वाले, उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। अनुसूचित जाति के जो एससी वाले कैंडिडेट हैं वो सभी योग्य अभ्यर्थी इसमें चयनित हो चुके हैं दोस्तों, सभी योग्य जो भी कैंडिडेट इसमें जो योग थे जिनका डीवी हुआ है वो सभी इसमें योग पाए गए हैं, उनका सभी का ही यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है दोस्तों। आप देख रहे होंगे सामने भी यहाँ पर अदर स्टेट से भी बहुत, बिहार को छोड़ के सबसे ज्यादा बात करें तो यूपी के, उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट है वो सबसे ज्यादा इसमें इस भर्ती में उनकी सिलेक्शन हुई है दोस्तों। नेक्स्ट जो ट्रेड है, नेक्स्ट ट्रेड की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट ट्रेड है मैकेनिक ट्रैक्टर। मैकेनिक ट्रैक्टर वाले जो यूआर वाले कैंडिडेट है वो 65.82 जिसके नंबर है वो इसमें सिलेक्शन हो चुकी है उनकी दोस्तों। दो वैकेंसी थी टोटल इसमें मैकेनिक ट्रैक्टर की 65.82 वाले, उसमें जो सिलेक्शन इसकी हुई है, एक है सुरजीत सिंह जो कि लुधियाना पंजाब से हैं, और दूसरा है लक्षण प्रसाद सिंह जो कि पटना बिहार से है दोस्तों। इन दोनों कैंडिडेट की इसमें सिलेक्शन हुई है दोस्तों, इनको भी बधाई हमारी तरफ से। और नेक्स्ट एड की बात करते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट एड है जो वो है प्लम्बर, प्लम्बर ट्रेड की बात कर रहे हैं दोस्तों। प्लम्बर की जो यूआर वाले कैंडिडेट है वो 61.29, ईडब्ल्यूएस वाले हैं जो कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस वाले वो 59.95, और जो एससी वाले हैं सभी योग्य अभ्यर्थी जिनका भी डीवी हुआ है वो सभी इसमें योग्य हैं। ईबीसी वाले जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले जो है ईबीसी वो 40.13, और पछड़ा वर्ग बीसी वाले जो 42.58, और पछड़ा वर्ग महिला डब्ल्यूबीसी के जो 38.16, जिनके यहाँ पे कट ऑफ है जिनकी, और जिनका यहाँ तक डीवी हुआ है वो सभी इसके लिए एलिजिबल है प्लम्बर ट्रेड के लिए, सभी एलिजिबल है प्लम्बर ट्रेड के लिए दोस्तों। नेक्स्ट जो ट्रेड है वो है सोलर टेक्नीशियन की दोस्तों, सोलर टेक्नीशियन, सोलर टेक्नीशियन की बात करें तो सोलर टेक्नीशियन में जो यूआर वाले कैंडिडेट हैं उनकी जो कट ऑफ रही है 52.1714 रही है, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी वाले हैं कोई योग्य अभ्यर्थी इसमें उपलब्ध ही नहीं हुआ है। जो भी कैंडिडेट की मेरिट इसमें 52.17
से ऊपर है वो सभी इसके लिए योग्य पाए गए हैं। दोस्तों सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, और मैं उन सभी को फिर से कहना चाहूंगा कि आप को अच्छा है कि आप सभी का इसमें सिलेक्शन हुआ है, आपको फिर से बहुत बहुत बधाई। और किसी भी प्रकार का अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी और जो कैंडिडेट रह गए हैं जिनकी अभी मेरिट सूची तैयार हो रही है, वो उनको अभी रिजल्ट आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। और कुछ कैंडिडेट जिसका डीवी हुआ है बट इसमें नाम नहीं आया है, अगर ये वाले कैंडिडेट वहां पे ज्वाइन नहीं करेंगे तो वेटिंग में रख के आपको बुला लिया जाएगा दोबारा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सभी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं ज्वाइन नहीं करेंगे। आपने भी देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट इसमें वो है उत्तर प्रदेश के। दोस्तों उत्तर प्रदेश वाले जो कैंडिडेट सभी अभी उनका डीवी चल रहा है, अगर उनका डीवी हो चुका है हो जाएगा और उनका सिलेक्शन वहां हो जाएगा तो यहाँ पे वो ज्वाइन नहीं करेंगे दोस्तों। वो अपनी स्टेट में जाएंगे और आपको यहाँ पे जॉब करने का, इंस्ट्रक्टर की जॉब करने के लिए मौका मिलेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं आशा करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आपसे फिर निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारा चैनल ITI सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपका इस रिजल्ट के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों चैनल पर विजिट करने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद दोस्तों।